हजमा हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद थे, और उस वक्त हजरत की इतनी शोहरत नहीं हुई थी। वो शोहरत का वक्त जो नहीं था वो अलग था, और जब शोहरत हुई तो हज़ारों लोग मुसाफे के लिए फिरते थे कि किसी तरह हाथ मिला लें, और नौबत नहीं आती थी, वो दौर अलग था। जब वो बिल्कुल गुमनाम थे तो उनकी सीरत का हाल ये था कि एक आदमी ने उनके जूते उठा लिए, और वो जूते रखने के लिए चला वापस, जब हुआ एक मिनट में जूते रख के, तो क्या देखता है कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जूते अपने सर पर रखे हुए हैं और मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। उससे तो जान निकल गई, हाथ पकड़े जूते, हज़रत क्यों क्या करते हैं? उन्होंने कहा तुम वादा करो आइंदा मेरे जूते नहीं उठाओगे, वरना तुम्हारे जूते मेरे सर पर रखे जाने के काबिल हैं, मैं इतना गुनाहगार बंदा हूँ। ये आजिज़ी और तवाज़ो है।